जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स सभी की टेंशन्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि पहले जहां 10 राज्यों ने 31 मार्च तक के लिए स्कूल्स को क्लोज रखा था, अब ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 12 राज्य, देश भर में 12 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ के स्कूलों को अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया है। ओन चैनल, मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जयसवाल। गाइस, जिस तरह के आसार नजर आ रहे हैं, जिस तरह के कोविड के केसेस पर डे नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि बोर्ड एग्जाम 2021 टल सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोविड के पर डे केसेस जा रहे हैं 58,000 अबव, देश के कई राज्य जो अभी हॉटस्पॉट बने हुए हैं कोरोना के, जैसे कि महाराष्ट्र, पंजाब, एमपी, गुजरात, दिल्ली, यहां पर डे जो केसेस हैं वो इतना ज़्यादा है जो कि पिछले बार की तुलना में भी कई गुना ज़्यादा कहा जा सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि पहले जहाँ 10 राज्य थे जिन्होंने अपने यहाँ के स्कूलों को क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था, वहीं अब ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, 12 राज्य हो गए हैं देश भर में। तो ये एक बड़ा सवाल आ रहा है, एक्सपर्ट्स या सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं बोर्ड से, सभी बोर्ड से, ना सिर्फ सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड बल्कि जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उनसे, कि क्या बोर्ड एग्जाम और आगे टलेंगे या क्या कुछ निकल करके आएगा। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल तक के लिए अब स्कूलों को बंद कर दिया गया है और फिर से ऑनलाइन क्लासेस का व्यवस्था जो है उस पर डिपेंड होना पड़ा है राज्य सरकार को। अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ भी 10 अप्रैल तक स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, 10 अप्रैल तक। और ऊपर से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे नाइट कर्फ्यूज लगाए गए हैं। पंजाब की बात करें जो अभी सेकंड हॉटस्पॉट बना हुआ है पूरे भारत का, यहाँ पे 11 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में नाइट कर्फ्यूज लगा दिया गया। अब एक बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे सिचुएशन में जो पेरेंट्स सोच रहे हैं कि उनका सोचना एकदम जायज़ है कि क्या सही रूप से एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। एक ऑनलाइन सर्वे जो अभी हाल में कराया गया, उसमें जो अपडेट निकला है, पूरे देश भर में ये सर्वे करवाया गया और इसमें ये निकला है कि 58% गार्जियंस चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए। इस स्थिति में कोई भी अभिभावक, पेरेंट्स, गार्जियंस अपने स्टूडेंट्स को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। 30% जो गार्जियन हैं उनका कहना है कि ऑनलाइन एग्जाम्स के थ्रू इन एग्जाम्स को ले लिया जाए, अभी बच्चों को स्कूल्स नहीं बुलाया जाए, खासतौर पे तब जबकि स्कूल्स भी कोरोना के हॉटस्पॉट बनते हुए देखे जा रहे हैं। जैसे कि 1100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हरियाणा करनाल कुरुक्षेत्र में कोविड पॉजिटिव पाए गए। अगर हम कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस की बात करें जहां पूरे कैंपस को ही कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, आईआईटी, आईआईएम जैसे बड़े संस्थान जहां पे लाखों रुपए खर्च करके स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, वहां भी ऐसा अछूता नहीं रहा जा सका। वहां पे भी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 कर रहे हैं तैयारी एनटीएससी की और आगे जाकर के जेई नीट को टारगेट करने वाले हैं, तो देयर इज अ गोल्डन चांस फॉर यू ऑल, क्योंकि आपके इन्हीं तैयारियों को बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी ने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है अचीवर्स बैच फॉर कंप्लीट कोर्स ऑन एनटीएससी क्लास 10। तो यूज कीजिए मेरे प्रोमो कोड विशाल केआर को और पाइए इंस्टेंट 10% डिस्काउंट ऑन ज्वाइनिंग दिस बैच। इस कोर्स में टॉप एजुकेटर्स आपके सभी सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एनटीएससी से रिलेटेड है को पूरा करेंगे। ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी की। चाहे आप अपने प्रिपरेशन के किसी भी स्टेज में हो, लेकिन फिर भी आपको इस कोर्स से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। चाहे आपको कोई भी डाउट्स हो, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस कोर्स के दौरान होने वाले डाउट क्लियरिंग सेशंस में। ये कोर्स कवर किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ज्वाइन दिस कोर्स नाउ एंड यूज कीजिए मेरे प्रोमो कोड विशाल केआर को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए। ज्वाइन नाउ, फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। कोरोना के वहां भी 74 प्लस केसेस देखे गए हैं स्टूडेंट्स और इवन प्रोफेसर्स में भी। और अगर हम पूरे देश भर में बड़े डिग्निटरीज की बात करें तो आम क्या, खास क्या, सभी इसमें फंसे हुए हैं। सचिन तेंदुलकर, इरफान पठान, परेश रावल फेमस एक्टर, और ना जाने कितने ही
ऐसे ऐसे डिग्नेटरीज जिन जो खुद कितने प्रिकॉशंस के अंदर में रहते होंगे लेकिन तब भी वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो यहाँ पे एक बड़ा मामला हो गया है कि क्या बोर्ड एग्जाम 2021 कंडक्ट हो पाएगा या टलेंगे। वैसे सरकार ने अभी स्कूल्स नहीं खोलने का फैसला लिया है। मैं आपको बड़ा अपडेट दे रहा हूँ कि किसी भी हालत में अभी यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स जो हैं उसके ऊपर में अभी बड़ा क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है। गुजरात, महाराष्ट्र और MP में लगातार कोरोना के केसेस आप बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। पंजाब ने अपने यहाँ के बोर्ड एग्जाम्स को एक महीना के लिए पोस्टपोन कर दिया है। पहले यहाँ पे बोर्ड एग्जाम जो हैं वो अप्रैल 9 और 22 मार्च को होने वाले थे क्लास 10 12th के। अब यहाँ पर पंजाब में जो बोर्ड एग्जाम हैं वो मई 4th से शुरू होंगे क्लास 10th के, और क्लास 12th के एग्जाम जो हैं वो अब अप्रैल 20 तारीख से शुरू होंगे। तो एक बड़ा सवाल है अब यहाँ पे, हालांकि अभी तक CBSE और ICSE बोर्ड दोनों जो देश के जो दो बड़े बोर्ड्स हैं वो उन्होंने चुप्पी लगा रखा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम 2021 टल सकते हैं। वैसे यहाँ पर अभी अगर जैसे कि अभी जिस तरह के केसेस हैं और जिस तरह से आनंद फानन में स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस पे वापस डिपेंडेंसी बढ़ गया है, एक बड़ा सवाल और एक भी है कि बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशंस कैसे करेंगे। जैसे कि कल हमने आपको एक गार्जियन, एक पेरेंट का हमने आपको एक वॉइस मैसेज सुनाया था जो उन्होंने हमें टेलीग्राम चैनल के हमारे लिंक के थ्रू से भेजा था। उन्होंने कि वहाँ पे उनका क्वेश्चन जायज था कि भाई बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़े हैं, लर्निंग गैप बहुत है, इश्यूज बहुत हैं, तो क्या एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाना संभव है और सभी के लिए ट्यूशंस अफोर्डेबल नहीं हैं। ये उन्होंने एक बड़ा पॉइंट उठाया कि सिर्फ ये कहना कि भाई ट्यूशंस के भरोसे बच्चे कर लेंगे तो ये भी नाकाफ़ी है, और स्कूल कॉलेजेस तो वापस बंद हैं, तो आखिरकार बच्चे तैयारी करें तो कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि न्यू एकेडमिक सेशन भी अभी हाल फिलहाल में शुरू नहीं हो सकता, जो कि आमतौर पर 5 अप्रैल से शुरू होता था। अब न्यू एकेडमिक सेशन भी जो है वो काफ़ी डिले होने के चांसेस हैं। देश के कई राज्य अपने यहाँ के न्यू एकेडमिक सेशन को टाल चुके हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, कई राज्यों ने कहा है कि वो अभी न्यू एकेडमिक सेशन जल्दी नहीं करेंगे। उड़ीसा राज्य ने कहा है कि वो एकेडमिक सेशन अप्रैल से पहले, मतलब अप्रैल मिड या एंड से पहले अपने यहाँ पे न्यू एकेडमिक सेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो एक बड़ा सवाल है बोर्ड एग्जाम 2021 के ऊपर में, आखिरकार ये एग्जाम्स होंगे, पोस्टपोन होंगे, या होंगे तो कितना होंगे, या हम कुछ अल्टरनेटिव में भी जा सकते हैं। तो गाइज ये है लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग आपके बोर्ड एग्जाम 2021। देखा जाए क्या कुछ निकल करके आता है, लेकिन जहां कई स्टेट बोर्ड्स फैसले ले रहे हैं, CBSE और ICSE बोर्ड अभी भी बैकफुट पर है, जबकि इन्हें आगे निकल करके कुछ स्टेप लेते हुए करना चाहिए था। तो उम्मीद है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो इसमें दखल दें और स्टूडेंट्स को कुछ राहत दें जिससे कि उनको बेनिफिट हो। इंटरनल असेसमेंट को बहुत बड़ा हथियार बनाया जा सकता है, खासतौर पे इस पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान। हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पूरे YouTube पे हम आपको सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज और MySBC गाइडलाइन को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ट्विटर और टेलीग्राम पर तो हमें फॉलो कीजिए। बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत।